एक वक्त था जब जोश के पास पैसा था और सारा पैसा उसने ऐश आराम में उड़ा दिया। अब उसकी हालत ऐसी है कि दो वक्त की रोटी भी उसे खाने को नहीं मिलती। अरे मेरी हालत क्या हो गई, भूख लगी है, तीन दिन से रोटी नहीं खाई। कोई है मुझे रोटी दे दो। रोटी भाई साहब आप मुझे रोटी चाहिए, थोड़े पैसे दे दो, पैसे दे, मैं रोटी खा लूंगा। अरे पीछे हट, पीछे कैसे चले जाते हैं भिखारी। अरे कोई रोटी, मैं क्या करूं। वो कूड़े का डब्बा, वो कूड़े के डब्बे में से मैं देखता हूँ क्या है। यहाँ पर होगा रोटी का डब्बा। यहाँ से खा लूंगा मैं रोटी। ये क्या? अरे ये तो रेडियो है। मैं रेडियो मैं इसे बेच दूंगा। मैं बेच के मैं रोटी खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, इसे बेच दूंगा मैं। परमेश्वर का कलाम सुने। खुदा कहता है एक खुदा को मानना सिर्फ उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, तो अपने परमेश्वर का नाम बेफायदा ना लेना, तो जना ना करना, तो अपने माता पिता का आदर करना, तो तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तू अपने माता पिता का आदर कर। मैंने पैसों के खातिर अपना घर बाप भाई सबको छोड़ दिया, और जिनके लिए छोड़ा आज मेरे पास कुछ नहीं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरा डैडी मेरे डैडी मुझे माफ कर देगा क्या? नहीं मैं नहीं जाता, नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, वो माफ करे या ना करे, मैं माफी मांगने जरूर जाऊंगा। माँ, मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा, अपने डैडी के पास चला जाऊंगा। मैं आ रहा हूं डैडी, मैं आ रहा हूं डैडी, मैं आ रहा हूं।